आखिर नई संसद में इतना विवाद क्यों? क्या भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगा नया संसद? क्या पीएम मोदी के भाषण का उल्टा पड़ रहा है असर? देश को नया संसद भवन मिला। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ये इमारत अपने आप में कई लिहाज से खास है। यूं तो इमारत और इस परियोजना को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन नए संसद भवन की विशेषताओं को लेकर लोगों में खासा कोतूहल भी थी। वो इसमें सुविधाओं के अलावा इमारत की लागत, उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री, उसकी बनावट और यहाँ तक कि उसकी वास्तु तक के पहलुओं के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन अब नई संसद में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, विवादों पर विवाद, बहस, यहाँ तक कि गाली पर उतर आए हैं सांसद। आपको बता दें, नई संसद के शुरुआती दिनों में ये पहला विवाद नहीं है। हम आपको सारे विवादों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं लोकसभा में बीजेपी सांसद रामेश विदुड़ी के विवादित बयान पर मचे बवाल के बारे में। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आप ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही लोकसभा स्पीकर से रामेश विदुड़ी पर कार्रवाई की मांग की गई है। विवाद बढ़ने पर लोकसभा रिकॉर्ड से रामेश विदुड़ी के बयान से विवादित हिस्सा हटा दिया गया है। दरअसल रामेश विदुड़ी सांसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे। तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रामेश विदुड़ी भड़क गए। उन्होंने लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अमय शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अब लोकसभा के रिकॉर्ड से उनके बयान का विवादित हिस्सा हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, रामेश विदुड़ी के बयान को लेकर कांग्रेस और टीएमसी ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रामेश विदुड़ी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है कि आपने सुना ही होगा और आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रामेश विदुड़ी को पार्टी से निकालने की मांग की है। इतना ही नहीं, नए संसद में हिंदुत्व और हिंदुत्व पर दिए बयान को लेकर भी हंगामा हुआ। नए संसद में पहले दिन बोलते हुए सबसे बड़े विपक्षी दल अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बवाल हुआ था। उन्होंने सदन में हिंदुत्व को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा था कि अब सदन में हिंदुत्व की चर्चा तो होती है, अब क्या हम हिंदुत्व पर चर्चा करेंगे? उनके भाषण के दौरान लोकसभा में हंगामा होने लगा था। कई सदस्यों ने स्पीकर ओम बिरला से उन्हें बैठाने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने उन्हें लगातार अपनी बात खत्म करने के लिए कहते दिखे। उस दौरान ओम बिरला ने कहा था कि आज का दिन महिला आरक्षण पर बोलने का है, बाकी मुद्दे पर बाद में अपनी राय आप दीजिएगा। इतना ही नहीं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण पर भी जमकर हंगामा हुआ था। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था जब पीएम मोदी और सभापति जगदीप धनखड़ समेत पूरा सदन हंसने लगा था। दरअसल सभापति ने खड़गे से कहा कि प्रहलाद जोशी तो आपके राज्य के हैं, कम से कम आपको उनकी बात सुननी चाहिए। इस पर खड़गे ने कहा कि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो दिल्ली में क्या करते हैं और कर्नाटक की गलियों में क्या करते हैं। नेता प्रतिपक्षा का इतना कहना था कि पूरा सदन हंसने लगा। आगे राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, नारी शक्ति वदन अधिनियम बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण हो। खड़गे के इस बयान पर भी राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ था। खैर, बता दें, रामेश विदुड़ी से जब संसद में हुए विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मामला संसद के अंदर हुआ, मैं उन चीजों पर चर्चा नहीं कर सकता जो संसद के अंदर हुई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।